अगर आपको भी एक अच्छा है स्मार्ट वॉच चाहिए वो भी 2000 के अंदर, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी जो हमारे पास ये स्मार्ट वॉच है ये है फायरबोल्ट हंटर ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच, एंड कंप्लीट इस वीडियो में इसी के बारे में हम कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो कंप्लीट बॉक्स का पैकिंग कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिल जाता है, कुछ इस तरीके का कंप्लीट जो है इसका बॉक्स देखने के लिए मिलता है। एंड फटाफट हम बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे ऊपर जो है यहाँ पे हमारा स्मार्ट वॉच देखने के लिए मिल जाता है, तो स्मार्ट वॉच को हम ऐसे निकाल लेते हैं, जिसको हम फिलहाल रखते हैं साइड में। इसी के साथ आगे अगर हम बॉक्स में बात करें तो यहाँ पे एक हमें मैग्नेटिक चार्जिंग केबल देखने के लिए मिल जाता है, जिसका यूज करके हम स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम आगे और बॉक्स में बात करें तो यहाँ पे एक हमें यूजर मैनुअल देखने के लिए मिल जाता है, वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड एंड कुछ वाउचर्स जो है यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए फाइनली स्मार्ट वॉच पे, सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट वॉच के बिल्ड एंड डिजाइन की। सो यहाँ पे देख सकते हो आपको बकल स्ट्रेप्स देखने के लिए मिल जाता है, बकल पे जो है फायरबोल्ट का ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाता है। स्ट्रेप्स की बात करो तो यहाँ पे आपको 20 mm का जो है सिलिकॉन स्ट्रेप्स देखने के लिए मिल जाता है। एंड ओवरऑल स्ट्रेप्स की क्वालिटी की बात करो तो काफी अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे स्ट्रेप्स देखने के लिए मिल जाता है। मटेरियल भी जो यूज किया गया है वो काफी अच्छे क्वालिटी का यूज किया गया है। एंड ये कंप्लीट चेंजेबल स्ट्रेप्स है, तो आफ्टर मार्केट आप स्ट्रेप्स बाई करके इसको आप चेंज भी कर सकते हो। बात करें बॉडी की तो यहाँ पे एक जगह मेंशन था डिस्क्रिप्शन में कि यहाँ पे आपको मेटल बॉडी देखने के लिए मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का जो है बॉडी देखने के लिए मिल जाता है। कंप्लीट यहाँ पे प्लास्टिक का मटेरियल यूज किया गया है एंड काफी अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक यहाँ पे यूज किया गया है। एंड बात करें तो इस साइड आपको एक मल्टी फंक्शन बटन देखने के लिए मिल जाता है, इसके बाजू में एक आपको माइक देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही बात करें तो इस साइड आपको एक नीचे में जो है स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। बैक साइड अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जिंग का पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है, कुछ सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, नीचे आपको फायरबोल्ट का ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाता है। एंड फाइनली स्मार्ट वॉच का कंप्लीट बिल्ड एंड डिजाइन देख सकते हो, तो बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में जो है स्मार्ट वॉच काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। चलिए फाइनली आते हैं इसके डिस्प्ले पे, तो यहाँ पे आपको 2.01 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले जो है देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसमें आपको 240x296 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। सो यहाँ पे एक आपको बड़ा डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, एंड डिस्प्ले की जो क्वालिटी है प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। एंड अगर आप डिस्प्ले पे कुछ इस तरीके से प्रेस करके रखते हो तो कुछ वॉच फेसेस जो आप कुछ इस तरीके से आप वॉच से ही चेंज कर सकते हो, बाकी इसके ऐप से कनेक्ट करके। एंड वहां पे आपको क्लाउड बेस्ड काफी सारे वॉच फेसेस देखने के लिए मिलते हैं, तो अलग अलग तरीके के वॉच फेसेस आप इसके ऐप से सेट कर सकते हो। ऑल्सो बात करें तो इसके ऐप से ही कस्टमाइज करके कोई भी फोटो वगैरह खुद का गैलरी से कोई भी पिक्चर जो है आप इस पे इजीली सेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर एक बार पहन के दिखा दूं पहनने के बाद इन्हें फिट एंड इन्हें लुक कैसा है, तो देख सकते हो पहनने के बाद कुछ इस तरीके का इन्हें लुक आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रेप्स काफी अच्छे क्वालिटी का देखने के लिए मिल जाता है, एंड डायल जो है काफी बड़ा है, जो इसका डिस्प्ले है इसका काफी बड़ा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। एंड बेजल्स काफी कम है, तो देखने में काफी अच्छा लगता है स्मार्ट वॉच। इन्हें लुक जो है काफी अच्छा आता है, एंड पहनने के बाद कोई भी इरिटेटिंग जैसा फील नहीं होता है, काफी कंफर्टेबल है। हालांकि यहाँ पे जैसे कि डायल बड़ा है, तो आपका रिस्ट साइज अगर ज्यादा पतला है तो आप इसको रिकमेंड ना करें, लेकिन अगर आपका रिस्ट साइज मेरे जितना है या फिर थोड़ा हेल्दी है तो आप इसको बिल्कुल वेयर कर सकते हो। बात करें और फीचर्स की, तो अगर आप यहाँ से स्लाइड डाउन करते हो तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं यहाँ पे एक ई कार्ड का ऑप्शन है, तो इसके ऐप से कोई भी क्यूआर कोड अगर आप यूपीआई का हो गया या फिर सोशल मीडिया का वो सेट कर देते हो तो वो क्यूआर कोड जो है यहाँ पे शो होगा, एंड यहाँ से कोई भी स्कैन करके डायरेक्ट आपको पेमेंट कर सकता है या फिर आपके सोशल मीडिया पेज पे जा सकता है। इसी के साथ बात करते हो यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग्स में अगर आप जाते हो एंड अगर आप डिस्प्ले में जाते हो तो यहाँ से ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, स्लीप में जाके कितने सेकंड बाद डिस्प्ले को ऑफ होना चाहिए वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, यहाँ तो यहाँ से राइज टू वेक फीचर का जो है ऑन ऑफ कर सकते हो। साथ ही बात करें तो पावर सेविंग मोड यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे एक फोन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो अगर आपको कॉलिंग फीचर का यूज करना है या फिर आप अगर स्मार्ट वॉच को स्मार्टफोन से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है ये जो फोन वाला ऑप्शन है ये ऑन होना चाहिए। वहीं अगर हम स्लाइड अप करते हैं देन यहाँ पे मैसेजेस नोटिफिकेशन का ऑप्शन ओपन हो जाता है, तो इसके ऐप से जो भी सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन ऑन कर दोगे वो नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे कोई भी मैसेजेस वगैरह अगर आता है तो उन मैसेजेस को आप यहाँ से व्यू कर सकते हो, यहाँ से इजीली जो है देख सकते हो। वहीं अगर आप लेफ्ट साइड स्लाइड करते हो तो यहाँ पे एक्टिविटी देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ से स्टेप्स काउंट एंड कैलोरीज काउंट आप देख सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको स्लीप मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ऑल्सो यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटरिंग जैसे फीचर को आप यूज कर सकते हो। वहीं यहाँ पे आपको SPO2 मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे आपको वेदर अपडेट जैसा फीचर भी देखने के लिए मिल जाता है, आप अपने सिटी का आप अपने शहर का वेदर जो है यहाँ से आप व्यू कर सकते हो देख सकते हो।
साथ ही बात करें तो यहाँ से फोन कॉल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहीं से जो आप कॉलिंग फीचर्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से आप रिसेंट कॉल देख सकते हो, जो भी कॉल हिस्ट्री वगैरह है वो यहाँ पे शो होगा। ऑल्सो बात करें तो डायल पैड का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पे जाके कोई भी नंबर यहाँ से इजिली डायल करके एंड डायरेक्ट यहीं से जो है कॉल कर सकते हो। साथ ही बात करें तो एक यहाँ पे कॉन्टेक्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। सो इसके ऐप से कोई भी कॉन्टेक्ट अगर आप सेट कर देते हो वो यहाँ पे शो होंगे एंड यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके कॉल भी कर सकते हो। तो टोटल यहाँ पे जो आप 8 कॉन्टेक्ट जो है ऐड कर सकते हो। बात करें कॉलिंग की, तो कॉल अगर आता है तो कॉल को आप रिसीव कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो। कॉल को अगर आप रिसीव कर लेते हो देन म्यूट कर सकते हो या फिर कॉल को फोन पे ट्रांसफर कर सकते हो। ऑल्सो जो है वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो। एंड वीडियो में आगे हम कॉलिंग टेस्ट भी करने वाले हैं, स्पीकर एंड माइक का क्वालिटी कैसा देखने के लिए मिलता है इसमें, तो उस पार्ट को भी आप जरूर देखिएगा। इसी के साथ बात करें तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको 120 स्पोर्ट्स मोड देखने के लिए मिल जाते हैं, सो यहाँ से आप स्पोर्ट्स मोड का यूज कर सकते हो। साथ ही बात करें तो यहाँ से अलार्म का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है एंड इसके स्मार्ट वॉच से आप अलार्म सेट कर सकते हो एंड ऑन ऑफ भी कर सकते हो। इसी के साथ बात करें तो स्टॉप वॉच का भी यूज कर सकते हो। ऑल्सो टाइमर जैसा ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। म्यूजिक कंट्रोल एंड कैमरा कंट्रोल का भी फीचर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऑल्सो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का भी फीचर देखने के लिए मिल जाता है एंड कैलकुलेटर का ऑप्शन काफी अच्छे से वर्क करता है। छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। इसी के साथ बात करते हो यहाँ पे आपको 4 इनबिल्ट गेम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको 4 गेम्स टोटल देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप फन या टाइम पास के लिए इजिली प्ले कर सकते हो एंड काफी अच्छे से जो ये गेम्स प्ले होते हैं। वहीं अगर आप डिस्प्ले पे प्रेस करके रखते हो कुछ इस तरीके से, देन यहाँ से कोई भी आइकन आप माइनस कर सकते हो एंड प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कोई भी आप आइकन जो है ऐड कर सकते हो। वहीं अगर आप राइट स्लाइड करते हो देन यहाँ से आप वॉइस असिस्टेंट का यूज कर सकते हो एंड अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो मेनू ओपन हो जाता है। मेनू में भी आप यही सारे फीचर्स का जो है यूज कर सकते हो। सो चलिए अब लाइव कॉलिंग टेस्ट करते हैं, स्पीकर एंड माइक का क्वालिटी इसका कैसा देखने के लिए मिलता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कॉल आ गया है। कॉल को यहाँ से मैं रिसीव करता हूँ। हेलो, हाँ हेलो, कहाँ पे? हेलो, अच्छा कहीं बाहर है क्या? बाइक वाइक पे है क्या? बाइक पे है क्या तू? हेलो, बाइक पे है क्या तू? बाइक पे है क्या? नहीं रे, नीचे ही हूँ मैं। अच्छा भाई। अच्छा, आवाज कैसी जा रही है? मतलब स्लो भी आ रहा है और बीच में कट रहा भी है ऐसा। अच्छा ऐसा है। हाँ, तुम समझ नहीं पा रहे, तू बोल क्या रहा था? अच्छा अच्छा। हाँ, अभी क्लियर आ रहा है। वैसे भी मतलब बीच-बीच में कई बार कटने लगता है। अच्छा, आवाज मतलब थोड़ी सी स्लो जा रही है मैम। अच्छा चल ठीक है। हाँ, सो आपने देखा लाइव कॉलिंग टेस्ट, तो स्मार्ट वॉच को मैंने करीब इतना करीब रखा था लेकिन फिर भी जो है साउंड काफ़ी स्लो जा रहा था सामने वाले के पास, तो कहीं ना कहीं इसका जो माइक का क्वालिटी है थोड़ा सा लो देखने के लिए मिलता है। एंड अगर मैं स्मार्ट वॉच को थोड़ा दूर रखता हूँ तो बिल्कुल भी साउंड सामने वाले के पास नहीं जाता है एंड अगर पास रखता हूँ फिर भी काफ़ी स्लो साउंड जाता है सामने वाले के पास, तो माइक का क्वालिटी थोड़ा लो देखने के लिए मिल जाता है। बाकी स्पीकर का जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा, काफ़ी लाउड स्पीकर जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। अब बात करें इसकी बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे आपको अराउंड 6 डेज का जो है बैटरी लाइफ, 6 दिन का बैटरी लाइफ देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको 2 दिन का ही बैटरी लाइफ देखने के लिए मिलेगा। वही बात करें तो ये स्मार्ट वॉच है, तो कहीं ना कहीं आप इसको वर्कआउट करते समय, जिम वगैरह में या फिर कोई ऐसा एक्टिविटी जिसमें पानी या पसीने से खतरा हो, तो उसके लिए यहाँ पे आपको IP67 का वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग देखने के लिए मिलता है। तो आप हल्का फुल्का पानी या पसीने वगैरह से कोई भी इशू नहीं होगा, हैंड वॉश करते समय भी आप इसको वेयर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, 1 मीटर से ज्यादा जो है पानी के अंदर इसको नहीं डालना है एंड 10 मिनट से ज्यादा जो है पानी के अंदर इसको यूज नहीं करना है। ऑल्सो बता दूं तो ये दा फिट करके ऐप है जिसको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके एंड इसी से जो है स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करके एक एक फीचर्स आप यूज कर सकते हो एंड कस्टमाइज कर सकते हो। अब बात करें इस स्मार्ट वॉच को बाय करना चाहिए नहीं, खरीदना चाहिए नहीं। सो जैसे कि इसका प्राइस है 1599 रुपये, सो इतने में अगर आप मिल जाता है बिल्कुल आप इसको परचेस कर सकते हो, खरीद सकते हो। लेकिन इससे ऊपर मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, खास करके इसमें जो माइक का जो क्वालिटी है थोड़ा सा लो देखने के लिए मिलता है। लेकिन आप फिर भी कॉलिंग पे बात कर सकते हो, इतना सामने वाले के पास वॉइस जाता है लेकिन थोड़ा सा लो वॉइस जाता है, ठीक है। बाकी स्पीकर का क्वालिटी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है, फीचर्स काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, सो आप इसको बिल्कुल परचेस कर सकते हो।
हो। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से फॉलो करके मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।